आदित्य बयान को लेकर आज कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज बरसाना के श्रीजी मंदिर पहुंचे और नाक रगड़कर राधा रानी से माफी मांगी। पिछले दिनों दिए गए प्रदीप मिश्रा के बयान पर साधु संतों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगे। बढ़ते विरोध को देखकर प्रदीप मिश्रा ने आज नाक रगड़कर माफी मांगी। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। सीएम मोहन यादव अमरवाड़ा के प्रचार रण में उतरे। यहां सीएम ने सिंगोड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए वोट मांगे हैं। बता दें इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये हमारी धरती है, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, अपना देश। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो, जिनके नेतृत्व में आपने होने वाले चुनाव में अपने इस छिंदवाड़ा की धरती से, लोग कहते थे छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, गढ़। हमने कहा गढ़ नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़। ऊपर ऊपर हवाई जहाज में भाई साहब, नीचे है ही नहीं, जमीन पे टिकते ही नहीं है। वो कहते छिंदवाड़ा मॉडल दिखाएंगे, मॉडल दिखाएंगे। आओ छिंदवाड़ा मॉडल दिखाता हूं। अब मैं ये पूछता हूं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात आपने 40 साल तक करी, लेकिन छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी के जैसे स्थान पर भी अगर नगर परिषद नहीं बना पाए तो काय के लिए आप मॉडल की बात करते हो। बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में हॉक फोर्स के 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। साथ ही इन सभी जवानों को बैज लगाकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि इन जवानों ने 1 अप्रैल 2024 को लांजी के पिथकोना केरझिली जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवपुरी बाईपास पर कुछ समय के लिए रुकी और स्थानीय बीजेपी नेताओं से मिली। इसी दौरान उमा भारती ने कहा कि मेरी तो इच्छा थी कि 500 सीट जीतें, लेकिन भगवान सबकी इच्छा पूरी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में कम सीट आने के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, ये अहंकार नहीं पालना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पर ही बातचीत करने के बाद भोपाल के लिए रवाना हो गए। मेरी इच्छा ये थी कि हम तो 500 पार कर गए। तो आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? अब भगवान हर इच्छा थोड़ा ना पूरी करे। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता। ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है। इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अयोध्या को लेकर वो राम के भक्त हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृहग्राम पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, उनका जोरदार स्वागत हुआ। बुधनी क्षेत्र के गृहग्राम जैत पहुंचे शिवराज सिंह का ग्रामीणों ने स्वागत किया और इसी मौके पर उनके साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। गृहग्राम जैत पहुंचे शिवराज सिंह ने सबसे पहले नर्मदा घाट पहुंचकर माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की। उसके बाद जैत गांव में 5.9 करोड़ की लागत से बनने वाले हाई स्कूल भवन और बख्तरा में 7.24 करोड़ की लागत से बनने वाले हाई स्कूल भवन का भी भूमि पूजन किया। प्रधान माहौल
उज्जैन की तराना तहसील में लीज पर मिली जमीन के विवाद में कब्जा लेने गए युवाओं ने किसान की कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया, युवक किसान को धमकी देता नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद तराना थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। गणों ने डेयरी फार्म नहीं डाला था और भूमि खाली पड़ी थी, इस पर्पस से उन्होंने कृषि को चालू करने के लिए क्रॉप इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया था, जिसमें आरोपीगण और फरियादीगण दोनों के मध्य विवाद हुआ, जिस पर थाना तराना में 307 आर्म्स एक्ट और SC/ST की FIR दर्ज की गई। और उधर विदिशा में दो परिवारों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। मीणा समाज के दो परिवारों में विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। मामला नटेरन थाना के बरखेड़ा अड़बाड़ की का है। मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। और इधर सीधी में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। संजय गांधी कॉलेज के अस्पताल आसपास संचालित तमाम दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सांची दूध पार्लर की दुकान नहीं हटाई गई, जिस पर लोग गुस्सा हो गए, जिसके बाद सांची दुकान पर भी कार्रवाई की गई। और इधर भिंड में नाले के किनारे बने मैरिज गार्डन और धुलाई सेंटर के अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चला। नाले के किनारे अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। दरअसल पहली बारिश में ही शहर के कई कॉलोनी में जलभराव की समस्या हुई। जलभराव इसी अतिक्रमण के चलते हुआ। नालों के बगल से अतिक्रमण होने के कारण सफाई नहीं हो पा रही थी। सफाई होती रहे लेकिन जगह नहीं होने की वजह से नाले की सफाई नहीं हो पा रही थी, जिससे शहर में जल भराव की समस्या हो रही है। अब ये नाले की सफाई हो रही है, इससे जख्म हटवा दिया है। करीब 400 मीटर जख्म हटवा दिया है। एक साइड में 4-4 मीटर करीब। इंदौर की बात करते हैं, यहाँ पर छत से युवती कूद गई है। इसका CCTV भी